क्योंकि गाने जितने तैयार किए जाते वो सुना दिए जाते, फिर सुनते लोग कहते वही पुराना, लेकिन कुछ नया हो जाए। और क्या नया, फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं, सुनिएगा। सुनिए भैया जी, थोड़ी सी चाटे की वाली बढ़ा दीजिए, बढ़ाइए। चाटी वाला माइक देख ले भैया, अरे हो सके तो बढ़ा दो बस, ठीक है। पहले बढ़िया बोला था फिर बोलेगा। फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं, सुनेगा। सुनिए। अरे दिल में बेचैनी, आंखों में इंतजार होता है। और क्या आदनिया बहन जी, सुनिएगा गीत को। सुनिए। महाराज जनक उनके राज्य में अकाल पड़ गया, यानी कि सूखा। चाचा जी सिपु जनक सुनिए, कहा कि अगर राजा रानी हल चलाएंगे तो इस समस्या का हल मिलेगा। वाह क्या। और जब ये कहा तो राजा रानी ने सोने का हल चलाया। ये। और जब हल चलाया तो अरे भूमि सोने के हल से जब जोती, सुनेगा। अरे भूमि सोने के हल से जब जोती,
कन्या मिली, और चाचा जी कन्या मिली तो हरे पिता के पुत्री कब होगी? बहन जी बेटा तो भाग से हो जाएगा, हाँ बेटा तो भाग से होगा, लेकिन लेकिन बेटी सौभाग्य से होगी। और क्या और क्या? अरे हरे पिता के पुत्री कब होगी? अरे लाख उदय हो भाग तब होती, तो अपने नाम से नाम को जोड़ा, कभी सिया से मुख ना मोड़ा, पुत्री के लिए तो मानो, पुत्री के लिए तो मानो कृपा प्रसाद होता है। और चाचा जी लाइन को सुनेगा अच्छा लगेगा, पुत्री के लिए तो मानो कृपा प्रसाद होता है, जब पिता का शीश पर हाथ होता है। लेकिन यहाँ यहाँ अरे छोटी छोटी खुशियों में खुश रह लेती है, अरे बड़े बड़े भी दुख को ये नारी सह लेती है। धन्यवाद। अरे छोटी छोटी खुशियों में खुश रह लेती है, और बड़े बड़े भी दुख को ये नारी सह लेती है। जब पिता का शीश पर हाथ होता है, वही जानकी बड़ी हुई, विवाह हो गया। और जब जनकपुर में पहुंची तो जनकपुर से अयोध्या में पहुंची, राम के लिए वनवास मांग लिया। माता कैकेयी ने वनवास मांग लिया, और जब राम वन को जाने लगे, अभी बोल दूंगी पुरस्कार सुनेगा गीत को। जब राम वन को जाने लगे तो जानकी भी कहती स्वामी हम भी चलेंगे। कहा जानकी तुम जंगल में नहीं रह पाओगी, जानकी तुम वन में नहीं रह पाओगी। जानकी ने कहा तो प्रभु हम महलों में भी तो नहीं रह पाएंगे। जब पिता का शीश पर हाथ होता है, दूसरी बात सुनेगा, सुनिए। जानकी जी कह रही है रानी से, सुने सुने, तुम ही से शोभित मेरे आभूषण, अरे लगे आप बिन भार ये भूषण, आपके बिना ये आभूषण मेरे लिए भार है। क्यों? क्योंकि बंधा फेर से मेरा ये जीवन, अरे साथ रहूंगी नाथ आजीवन, क्योंकि जीवन देह न दीवन वारी, जीवन देह न दीवन वारी, पैसे नाथ पुरुष बिन नारी, अरे जीवन देह न दीवन वारी, पैसे नाथ पुरुष बिन नारी। पति का हाथ में हाथ होता है, पति का हाथ में हाथ होता है। पिता पति शीश पर हाथ, हाथ में हाथ। अब आखिरी टुकड़ा सुनेगा, सुनिए। वही जानकी वन से वापस आती, फिर बन जाती, उनके दो सुकुमार हैं लव और कुश। हाँ, लव और कुश जो रहते थे आपस में बड़े खुश। सुनिए
हैं बेटा बेटा, पहले पिता फिर पति, अब आखिरी में सुनेगा। सुनिए चाचा जी, सुनेगा बहन जी, कुछ नहीं है, बस ये कचौड़ी है। कचौड़ी गुजिया तो आ ही गई है, हलवा हो गया है, अब थोड़ी कचौड़ी भी हो जाएगी। और क्या, कुछ नहीं है, गीत में साधारण गीत सुनेगा। सुनिए जानकी जी, कह रही है अपने बेटों से लव और कुछ से, बेटा बेटा, अरे तुम ही आखिरी मेरे सहारे हो, जब पुत्र का चरण में हाथ होता पिता पति पुत्र शीश हाथ और चरण, और ये नारी के तीन सहयोगी, तीन रक्षक हैं, पिता बाल अवस्था में, पति युवा अवस्था में, और पुत्र वृद्ध अवस्था में। क्या बात बताएं, जब पुत्र का चरण में हाथ होता है, अरे जब पति का हाथ में हाथ अच्छा गीत आया है। आइए मैं भी प्रयास करती हूँ, शायद कहीं से आपके उस गीत का जवाब बन जाए। और ये एक बार फिर से भैया श्री अशोक भैया, आपकी ओर से 51 रुपए का बहुमूल पुरस्कार है, भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये भैया श्री ऋतिक भैया जी, आपकी ओर से भी 51 रुपए का बहुमूल पुरस्कार है, भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। पहले जो बंबई वालों ने गीत दिया है उसको सुने आप, उसके बाद आगे जो आपने मर्ज दिया है उसका मैं प्रयास करूंगी। गीत आपका बहुत अच्छा आया है। दी है, अरे छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, अरे
अरे छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठ बिठाए यूं ही नींदे खो जाती है। ये आपकी ओर से गीत आया है, बढ़िया गाया और गीत भी आपका बहुत सुंदर आया है जो आपकी ओर से। इस गीत की जो रचना हुई है, क्योंकि कल्पना जी ये गीत आपका मैंने तो नहीं सुना, लेकिन आजकल कलाकारों के कोई गीत छुपते नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम आपका हमारा बहुत दिनों में हुआ है, लेकिन ये गीत मैंने पहली बार आपसे सुना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बढ़िया। पिता पति और पुत्र, ये आपने बताया है नारियों के जीवन में इनका एक अलग स्थान होता है जब इनका साथ होता है। वाकई में बहुत अच्छी बात आप लाई हैं। आइए देखिए, जो सत्य है उसको काटा नहीं जा सकता। हर बेटी के जीवन में तीनों चीजें जब हैं तभी वो पूर्ण होती है। पति है तो जीवन पूर्ण है, पिता है तो वो ज्ञान देता है, भाई है तो वो सहारा देता है। क्या बात, बहुत अच्छी बात लाई है, क्योंकि ये गीत आपका अकाट है। जो सत्य है वो सत्य है, लेकिन आइए क्योंकि जवाबी का मंच है तो शायद कुछ ऐसी ही बातें मैं भी आपको दे सकूं, क्योंकि प्रबुद्ध जनमानस यहाँ पर एकत्रित है। सुने आप लोग, और ये 51 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद आदरणीय सम्मानी हमारे मामा जी संतोष मामा जी की ओर से। ये हमारे साधु ढोलक पर संगत कर रहे हैं हमारे समरजीत भैया, आपके लिए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आशीर्वाद के कारण। खरा नोट है। अब देखिए, पहला पात्र मैं ले रही हूँ पिता, भैया जी पिता। और देखिए, क्योंकि आपने भी जिस युग से बात की है तो मैं भी उसी युग से ले रही हूँ, जिस समय चौथे पन पाए सुतचारी। राजा दशरथ के कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है, लेकिन जिस समय चौथे पन में पुत्र की प्राप्ति हुई, आप कह रहे हैं पुत्री ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है कल्पना जी। पुत्री ही सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है, है पुत्री, लेकिन अगर पुत्र है तो देखिए पुत्र कैसा हो और कैसे होना चाहिए, ये मैं भी कुछ प्रयास कर रही हूँ। और जैसे कि जीवन में पुत्री है तो पुत्र भी जरूरी है, और कैसे सुने बस यहीं से मैं ले रही हूँ। चौथे पन पाए सुतचारी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों वेद बनकर आए हैं, और जब आए तो देखिए होता क्या है। अरे चौथा पन आया था जब देखो, बहुत अच्छे, लगे रहो तो निवेदन है आप लोग सुने, क्योंकि घर का गीत तो हर कलाकार अच्छा गाता है, क्योंकि सालों में एक गीत लिखा जाता है, जवाब के लिए थोड़ा टाइम मिलता है, तो उसके लिए मैं चाहूंगी आप लोग प्रयास सुने हमारे ओर से। चौथा पन आया था जब देखो, पुत्र बिना सुना जीवन देखो, किसका? राजा दशरथ का। जिस समय श्राप मिला कि जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ वैसे ही तुम्हारी प्राण जाएंगे, राजा दशरथ के लिए वो श्राप वरदान का काम कर गया। सोचा कि इसका मतलब मुझे कभी न कभी संतान की प्राप्ति होगी, जब ऐसा हुआ पुत्र की प्राप्ति हुई, एक नहीं चार चार पुत्र हुए, आगे होता क्या है भैया। चौथा पन पाया पाए, जब पुत्र मिले हो देखो गुरु तप, तो
जब पिता का पुत्र पे अगर ऐसे नहीं राजा दशरथ के प्राण गए, राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, छह बार राजा दशरथ के मुख से राम निकला और पंच तत्वों में विलीन हो गए। और राम जैसा पुत्र कौन नहीं चाहेगा, लेकिन राम उन्हीं को मिलेंगे जब आप दशरथ बनेंगे भैया जी। और जब दशरथ बनेंगे तभी आपको राम मिलेंगे, वरना कहाँ राम मिलते हैं और कहाँ दशरथ और कहाँ जानकी कहाँ सावित्री। लोग कह देते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए मुझे कहना है क्या, अरे पिता के लिए तो वो देखो कुल की शान होता है, जब पिता का पुत्र पे हाथ होता है। अब दूसरी बात देखिए भैया जी, अरे तो वर मांगे रानी ने जब, और सवाल चाहे थे को ना दे, ऐसी पत्नी किसी को ना दे, लेकिन मैं कहती हूँ अगर कैकेयी जैसी माँ होगी तभी राम राम कहलाएंगे, अगर कैकेयी जैसी माँ नहीं होगी तो राम को कोई नहीं जानेगा। इतना त्याग किया है माता कैकेयी ने जितना किसी ने नहीं किया, इसलिए मुझे कहना पड़ा क्या, अरे झूठे सभी श्रृंगार गए तब राम से दूर वो नृप हुए, जब सोलह श्रृंगार छूट गए लेकिन वचन को नहीं तोड़ा तो अरे राम से देखो नृप हुए जब, तो पत्नी के लिए ही पति तो आन बान होता है, हर पत्नी के लिए। लेकिन आजकल का जमाना कहाँ है वो भैया, आजकल वो जमाना नहीं है, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, सीता कहाँ है। लोग कहते तो हैं बड़ी बड़ी बातें लेकिन होता नहीं है ऐसा, अगर होने लगे तो फिर कहना क्या है, इसीलिए कहना है ये बात सही है। अरे पत्नी के लिए तो पति ही आन बान होता है, जब पत्नी का पति का साथ होता है। भैया क्योंकि एक गाड़ी के ये दो पहिए होते हैं, अगर एक डिस्टर्ब हो जाए तो अपने आप गाड़ी डगमगाने लगेगी, इसीलिए कहना है क्या। देखिए कोरस बंद है भैया, बढ़ा दो थोड़ा भैया, बहुत संतोषी आदमी है। हेलो, देखिए बिल्कुल आवाज नहीं, हेलो आवाज चाहे चली जाए लेकिन कहते किसी से नहीं। हेलो 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 हेलो, इतनी दे लीजिए कि लोगों तक सुनाई पड़े। हेलो हेलो भैया, आप डरो नहीं, हेलो ये कहीं बिकेगी भी नहीं, केएस वाले ही बेचेंगे और कोई बेचेगा भी नहीं, इतनी हिम्मत केवल हमारे संजय भैया में है और किसी में नहीं है। हेलो हेलो, और हारमोनियम की आवाज बढ़ाई, नहीं अभी ये बढ़ाई नहीं कोरस वाला। हेलो देखिए, हेलो हेलो काली काली, हेलो 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 हेलो, थोड़ी थोड़ी बढ़ा दीजिए बस, वही तो हम लोग भी कह रहे हैं। हेलो हेलो हेलो
हेलो ये बात अब आ रही धीरे धीरे हेलो हाँ आ रही हाँ तो चलो आ जाएगी हाँ चलो बेटा चलो चलते रहिए सब बिल्कुल डाउन हो जाता है देख रही है भैया अरे छोटे सभी श्रृंगार गए तब राम से दूर वो नपहे हुए जब तब पत्नी के लिए वो पति ही आनवान होता है जब पत्नी का पति का साथ होता है पत्नी का पति का साथ होता है ये मेरी ओर से आपके बड़े ही सुंदर से गीत का केवल प्रयास और आइए क्योंकि देखते हुए चलना है